नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने अगले एपिसोड में बताया था कि हम इसमें सीट कवर वगैरह का काम कराने वाले हैं, तो दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हो मेरे पुराने सीट कवर कैसे हैं, बहुत ही पुराने हैं। ये भी गाड़ी के साथ साथ 25 साल पुराने ही सीट कवर और सीट है। तो अभी देखो, ये मैं बेड सिस्टम बनाने वाला हूँ, तो ऐसे एक प्लाई का बॉक्स बनाया है जो दोनों साइड से खुलता है। हमने इसको कार में रख के चेक किया तो थोड़ा साइज बड़ा था, जो बीच वाला जो पोर्शन है इसका। तो हमने क्या किया दोस्तों कि इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे वो नाप लिया, और ये एक स्क्रू इसमें थोड़ा बीच में आ रहा था तो इसको हमने काट दिया। इसके बाद हमने इसको अच्छे से मेज़र किया तो पता चला कि थोड़ा सा जो ये बीच वाला पोर्शन है उसमें जो प्लाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको हमने फिर से बाहर निकाला, अच्छे से नापा और काट दिया। दोस्तों ये जो बॉक्स है ये प्लाई का बॉक्स है, और बहुत ही अच्छा बॉक्स बनाया है ये भैया ने। और जो इनका जो कांटेक्ट है वो भी मुझे सीट वाले भैया ने ही दिया था, तो इसके लिए भी मैं भैया को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा बेड सिस्टम मुझे बना के दिया है, ताकि मैं यहाँ से कहीं भी घूमने जाऊँ तो अगर मुझे रेस्ट करना है तो मैं मेरी मारुति ओमनी में ही रेस्ट कर सकता हूँ। और आप देख सकते हो इसी तरह हमने काट के इसको वापस फिर से अंदर रख दिया, और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सीट है ये हमने नया बनाया है, क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं, तो अभी ये कंप्लीट लेवल में आ चुका है, आप देख सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मुझे जो सीट वाले भैया थे उन्होंने एक सपोर्ट लेने के लिए भेज दिया, तो मैं एक ऐसा एक ये जो पाइप है वो लेने के लिए निकल आया, और साइज कट करके थोड़ा स्क्रू लगाने का होल पास इसमें वेल्डिंग करा के मैं फिर से आ गया हूँ सर्विस स्टेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझ सारी सीटें गाड़ी में से निकल चुकी है, और मैं सिर्फ ही इंजन के ऊपर बैठ के एक गद्दी पे बैठ के घूम रहा हूँ। मतलब इसके बाद मैं सीधा आता हूँ सर्विस स्टेशन पे, जहाँ पे मैं अपनी कार में, मैं अपनी मारुति में जो सारा सीट वगैरह निकाल दिया था तो एक बार अच्छे से नीचे के साइड एयर मरवा देता हूँ, ताकि जो धूल वगैरह है या मिट्टी है कुछ फंसा है वो निकल जाए। दोस्तों ये देख सकते हो आप, भैया ने मेरा नया सीट कंप्लीट कर दिया है, अभी हम इसको यहाँ पे फिट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसी सीट बनवानी हो या सीट के रिलेटेड कुछ भी काम करवाना हो तो ये दीपक भाई है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और इनका जो शॉप है वो ओम साई सीट कवर करके बुहारी में है, वालोड तालुका के बुहारी में है, और मेरी सीट तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बनाई है दोस्तों। तो अगर आपको भी ऐसी सीटें बनवानी है तो आप इनसे ज़रूर मिल सकते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों ये पूरा बेड सिस्टम बन चुका है। अगर दोस्तों आपको ऐसा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों ये आप देख सकते हो हमने पूरा बेड सिस्टम जो है कंप्लीट कर दिया है। अभी दोस्तों हम आगे के जो सीट्स है उसको भी रख देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने अपना ओमनी का पूरा जो सीट वगैरह है वो सब अच्छा कर दिया है, और ये जो रबर है वो निकल चुका था तो भैया ने इसको भी चिपका दिया है, और बहुत ही अच्छा काम किया है मेरी कार के अंदर। अगर आपको भी ऐसा काम करवाना है तो प्लीज़ ये एक बार भैया से कांटेक्ट कर लेना, बहुत ही अच्छी सीट बनाते हैं ये। और आप देख सकते हो ये आगे का सीट भी हमने लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों वो जो बीच वाला पोर्शन है बेड सिस्टम बनाने के लिए, वहाँ पे ये सपोर्ट चाहिए, तो ये जो मैं बना के लाया हूँ वो सपोर्ट भी हमने यहाँ पे नीचे लगा दिया है, ताकि जब बीच वाला पोर्शन खुले तो उनको एक सपोर्ट मिल जाए। तो आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सीट का काम किया हुआ है इन्होंने, पूरा बेड सिस्टम बना दिया है मेरी गाड़ी में। थैंक यू दोस्तों।